हम बिस्तरी और बोसो किनार के वक्त निकलने वाली रतूबत का हुक्म। मौजूद नाजरीन गरामी, दिन में या रात में किसी भी वक्त अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर पर सोए जाए, या बीवी से मोहब्बत भरी बातें की जाए, या अपनी बीवी की जिनसी अज़ा को छेड़ा जाए यानी उससे बोसो किनार किया जाए, तो उस वक्त शर्मगाह से निकलने वाला पानी रतूबत लेसदार मादे का क्या हुक्म है? क्या इससे गुस्ल फर्ज हो जाता है और कपड़े नापाक हो जाते हैं? क्या बग़ैर गुस्ल के इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं? जवाब इसका ये है कि मियाँ बीवी के आपस में मोहब्बत के वक्त शर्मगाहों से जो पानी निकलता है वो मज़ी है। फुकहा ने मज़ी की पहचान ये बताई है कि मज़ी उस सफ़ेद पतले लेसदार पानी को कहते हैं जो बीवी से दिल लगी करने और बोसो किनार करने से हम बिस्तरी करने से पहले बग़ैर उछले और बग़ैर शहवत के निकले। लिहाजा सूरत मस्कुरा में जिस रतूबत का पूछा गया है वो बज़ाहिर मज़ी मालूम होती है, जिसका हुक्म यह है कि उससे वजू टूट जाता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता और कपड़े के जिस हिस्से में लग जाए सिर्फ उसी हिस्से का धोना ज़रूरी होता है। अलबत्ता वो रतूबत, वो पानी जो उछल कूद कर निकले उसके बाद शहवत ख़त्म होकर तबीयत में सुस्ती आ जाए, वो शरण मनी है और उसका हुक्म यह है कि उससे गुस्ल वाजिब हो जाता है।